हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल, ये जो क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट है 23 फरवरी 2023 का, यूजीसी नेट पेपर वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई थी जिसकी वजह से आने में थोड़ा सा डिले हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। रंजना, रेखा, अंशु, अमृतांजलि, सत्यम, कर्मा, मोना, रंजना, ममता, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जो कि है आपका यूजीसी नेट पेपर वन क्वेश्चन पेपर, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो डीआई के क्वेश्चंस थे, ये ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ आप सभी लोगों को। ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे आप लोगों को, 15 क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी। तो आज उसके आगे से मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कहाँ तक मैंने करवा दिया था। आज इस क्वेश्चन पेपर को फिनिश करेंगे। यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे जहाँ पे पियरे बोर्डियो के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से निम्नांकित प्राप्त होता है, यहाँ से क्वेश्चन था और यहाँ सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से सब लोग आ जाइए और यहाँ पे गुड आफ्टरनून रीता, सरिता, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुकी थी, बट यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी नहीं करवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमांशी, रंजना, थोड़ा सा बेटा टेक्निकल एरर हो गया था जिसकी वजह से आने में थोड़ा डिले हुआ, बट चलिए देर सही बट दुरुस्त आ गए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर पार्टिसिपेट करते चले, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण प्राय इस रूप में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। सुमन, पूजा, रेखा, आंसर करो इस क्वेश्चन का, क्या आंसर सही होगा? अंतर्व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल। आपको पता है जो इंट्रा पर्सनल होता है वो क्या होता है? इंट्रा पर्सनल जब हम सेल्फ से बात करते हैं, और इंटर पर्सनल जब दो लोगों के बीच में बात होती है, दो लोगों के बीच में परस्पर बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर वन, युग्मक जिसे हम डायडिक कहते हैं, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, अर्थात जब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं तो अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कहलाता है। इसके लिए दो व्यक्तियों के बीच संपर्क होना आवश्यक है, ये दो तरफा प्रक्रिया है। साक्षात्कार, कार्यालय, वार्तालाप, समाचार, टेलीफोन, ये दो लोगों के बीच में होती है। अगर आप टेलीफोन पे किसी से बात करेंगे तो सामने भी कोई ना कोई रिसीवर होना चाहिए। अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो आपके सामने टू यानी उस फील्ड पे डालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। इस संप्रेषण में फीडबैक कैसा मिलता है? तुरंत और सबसे बेहतर मिलता है और बाधा आने की संभावना कम रहती है। 23 फरवरी का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर वन सही था। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, संप्रेषण का जो यांत्रिक मॉडल है उसकी क्या विशेषता होती है? क्वेश्चन नंबर 17, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अच्छा, प्रॉपर नहीं आ रहा है, एक मिनट होल्ड करो जरा सा। अभी देखो प्रॉपर दिख रहा है बेटा सबको? अभी प्रॉपर दिख रहा है? एक बारी थम्स अप कर दो अगर आप सभी को प्रॉपर दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 17, अभी प्रॉपर दिख रहा होगा, जरा जल्दी से एक बारी थम्स अप करके बता दो अगर प्रॉपर दिख रहा है। दिख रहा है? आंसर करो क्वेश्चन नंबर 17। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि संप्रेषण का जो यांत्रिक मॉडल है उसकी विशेषता क्या होती है? यांत्रिक यानी मैकेनिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन के हम लोग कहते हैं ना भाई, कहाँ से टॉपिक आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात हुई है, यानी अगले एग्जाम में भी यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है।
तो इसकी विशेषता कौन सी है? एक मार्गी प्रवाह, वन वे फ्लो होता है, एक से अनेक की ओर, फ्रॉम वन टू मैनी। अनोनिमिटी यानी अज्ञातता। मैकेनिकल मॉडल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैकेनिकल मॉडल मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जैसे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, मन की बात करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? रेडियो के थ्रू करते हैं। अब रेडियो के थ्रू करते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि सिर्फ वही बोल रहे हैं और सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है। जहां पे आपने किसी न किसी टेक्निकल जो है कंपोनेंट का यूज किया है। एक से अनेक की ओर यानी वो अकेले हैं लेकिन बहुत सारी जनता को संबोधित कर रहे हैं। अज्ञानता, अब अज्ञानता का क्या मतलब है? उन्हें नहीं पता है कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो कौन है, उनके बारे में नहीं जानते। तो अज्ञानता होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। यही है इसका संप्रेषण का यांत्रिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों से, याद रखिएगा। मैकेनिकल मॉडल की जो क्वालिटीज है, जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, वो कौन सी हैं? राधे राधे सविता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन करने का उद्देश्य होता है कि अर्थ कैसे निकाला जाता है। सेमियोटिक्स क्या चीज होती है? सेमियोटिक्स, ये कहा जाता है कि संकेत विज्ञान यानी सेमियोटिक, जिसे हम संकेत विज्ञान कहते हैं, उसका अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मिति है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दोनों ही सही है। संकेत विज्ञान यानी सेमियोटिक प्रतीकात्मक संचार के उपयोग का अध्ययन है। इसमें संकेत, संकेत विज्ञान में क्या आता है? संकेत, इशारे और गैर भाषाई संचार विधियां शामिल हैं। संप्रेषण में संकेत विज्ञान में इसका वर्णन करने का तात्पर्य यह होता है कि इसका अर्थ कैसे निकाला जाता है। और संकेत जो विज्ञान वो मानता है कि किसी प्रेक्षक की मानव निर्मित है, यानी कि जब हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? सेमियोटिक्स के अंतर्गत आता है। साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, किसके अंतर्गत आता है? सेमियोटिक्स। अब अगर मान लीजिए ट्रैफिक लाइट दी गई है, ये मानव निर्मित है या नहीं? जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये मानता है कि इसका अर्थ किसी प्रेक्षक की मानव निर्मिति है, तो ट्रैफिक लाइट को मानव निर्मित है कि नहीं है? उसके द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल बनाया गया है। दैट इज वाई स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19। अब आप कहेंगे मैम इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आप क्यों दिखा रहे हो? भाई ये मैं नहीं दिखा रही हूँ, एनटीए की तरफ से पूछे गए क्वेश्चन है। संप्रेषण में लोगों से संबंधित मुद्दों और घटनाओं को परिभाषित करने, समझाने, सूचित करने की शक्ति निहित होती है। संप्रेषण लोगों में सीमांकन के एक साधन के रूप में सेवा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 19, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये एनटीए के क्वेश्चन है, जो उसने फरवरी मार्च वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा था। यानी 2023 का जो पैटर्न है, हम लोग सिलेबस तो पढ़ रहे हैं बट सिलेबस में और क्या क्या चीजें आ रही हैं वो है यहाँ पे, किस तरीके के क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको पता ना हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पैटर्न का ना पता हो, तो आप अपने PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखिए। कितने लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कर सकते हैं? रीता, निवेदिता और हिमांशी ने कहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सी है सही कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब, पहला सही है कि कम्युनिकेशन हैज द पावर टू डिफाइन, परसुएड, इन्फॉर्म, इश्यू एंड इवेंट टू द पीपल। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि संप्रेषण कम्युनिकेशन कैन नॉट सर्व एज अ टूल ऑफ डिमार्केशन अमंग पीपल। ये दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। अब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे हैं एनटीए की जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वहां पे हमने कहा चलो भाई पेपर वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पेपर वन ही दिखाई देता है। अब आपके ऊपर चॉइस होती है कि पेपर वन को पहले सॉल्व करना है या पेपर टू को। पेपर वन में सबसे पहले ही आपसे डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से निकलो तो यहाँ पे आके मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व होगा। ममता सही है, वेरी गुड।
अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कितने लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए हैं अपने पास? अभी हम सबका सॉल्यूशन भी दिखाएंगे आप लोगों को, ये मत सोचना कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलो दिखा देते हैं, टेंशन मत लो। क्या लिखा है यहाँ पे? एक चीज, यहाँ पर एक गलती है इस पूरे पेज में, एक मिस्टेक है। क्या वो मिस्टेक आप लोग ढूंढ के बता सकते हो कि वो मिस्टेक है क्या? एक मिस्टेक है यहाँ पे एनटीए के क्वेश्चन में। क्या कोई इस क्वेश्चन को बता सकता है कि क्या मिस्टेक है? गुड आफ्टरनून मीना, आंसर करो बेटा। अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन में एक गलती है, वो गलती कौन सी है, कोई बता सकता है? गुड आफ्टरनून सूर्या, कोई मिस्टेक बता सकता है? एक मिस्टेक है क्वेश्चन में। कोई नहीं बता सकता है? ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या मिस्टेक है। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि मिस्टेक क्या है इसमें। यहाँ पर एक कॉमन सी मिस्टेक है और वो है आपकी हिंदी और इंग्लिश का जो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों अलग-अलग है। हिंदी और इंग्लिश का जो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है, वो गलत है। ध्यान से देखिए, पहले वाला जो इंग्लिश वाला है, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कोशिश करा करिए कि दोनों ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। टू ओल्ड कार सोल्ड फॉर 48,000 ईच, यानी दोनों कारें 38,000 की हैं, ठीक है। एक प्रॉफिट ऑफ 20%, एक को 20% लॉस में बेचा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दो पुरानी कारों में प्रत्येक को 48,000 में बेचा जाता है, एक को 20% की हानि होती है। लेकिन यहाँ लाभ की जो लिखी है, प्रॉफिट जो है, वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, यानी ये जो यहाँ आपके सामने, इसीलिए कहते हैं कि दोनों ही चीजों को पढ़िए। इन्होंने कहा दो कारें हैं, मान लीजिए कितनी कारें हैं, दो कारें हैं, दो कारें हैं, और वो कितने की ईच की बात करिए, ईच कितने की है, यानी प्रत्येक कार कितने की है, 48,000 की है। यानी अगर हम दोनों कारों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000, 48,000 कितना हो गया, 96,000, ठीक है। फिर इन्होंने कहा, मान लीजिए जो पहली कार है उसको हमने 20% के लाभ पर बेचा। लाभ का मतलब है, जब भी हमें लाभ निकालना हो तो 100 का हम एक मानते हैं, ठीक है, तो 100 में 20 को जोड़ दीजिए तो 120 हो गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लॉस हुआ है, तो क्या करेंगे, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, कितना हुआ, 80। लेकिन जब हमें पूरी रकम जाननी हो कि कितने की थी, हमने बेची 48,000 में, अगर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ तो कार थी 40,000 रुपए की, यानी ये इसका ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस ये रहा, ठीक है। दूसरी बात, 20% की हानि पर बेची गई, यानी प्राइस था 60,000 रुपए और बेची हमने 48,000, यानी यहाँ नुकसान हुआ। इन्होंने क्या कहा है कि अब दोनों कारों का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य है टोटल कार हमारी आई थी 1 लाख रुपए की, उसको हमने बेचा 96,000 रुपए में, तो व्यापार में कितनी हानि हुई, तो हमने 1 लाख की कार अगर 96,000 में बेची, यानी 96,000 में बेची, तो 4,000 का नुकसान हुआ। कारें कितने की थी, 1 लाख की, ऊपर हम डिफरेंस लिखेंगे, यानी कितने का नुकसान या प्रॉफिट हुआ, इनटू 100 करेंगे तो हानि होगी 4% की। कितने लोगों को समझ में आया? यहाँ पे दो चीजें हैं, लाभ भी लिखा है सुमन और हानि भी लिखा है। अगर आप इंग्लिश वाला स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें दोनों चीजें लिखी हैं कि एक कार को 20% के प्रॉफिट पे बेचा और एक को इन्होंने लिखा 20% के लॉस पे। लेकिन अगर आप हिंदी वाला स्टेटमेंट देखो तो वहां पर सिर्फ ये लिखा है कि 20% की हानि पर बेचा, लेकिन 20% के लाभ पर जो दूसरी कार बेची गई, उसका स्टेटमेंट नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आया निवेदिता? अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। 96,000 में हमने कार बेच दी, मान लो निवेदिता है, निवेदिता के पास कारें हैं, कितने की कारें हैं उसकी,
उसने 96,000 में यानी 96,000 में कार बेची है, उसकी कारों की रकम 48,000, 48,000 यानी दो कार है, पहली कार उसके पास है जो उसने 40,000 रुपीज में बेची, उसने दूसरी कार भी बेची 48,000 में, एक में उसको 20% का मुनाफा हुआ, तो हमें अगर मूल रकम निकालनी है तो 100/120। सेम ऐसे ही हमें मूल रकम निकालनी है तो 80 को लिख दीजिए नीचे, निकल आएगी 60,000, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है कार का वो 1,00,000 रुपए है, बेची हमने 96,000 में यानी 96,000 में, हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ आपस में दोनों को माइनस कर दो। तो भाई अगर निवेदिता की कार 1,00,000 की थी और 96,000 में बिकी, यानी 4,000 का नुकसान हुआ। अब हमारा परसेंटेज में बताना है कि कितना नुकसान हुआ, तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे कितने की कारें थी, 1,00,000 की कार थी, इनटू जो ओरिजिनल प्राइस है उसको नीचे लिखे, इनटू 104%। आगे समझ में, इंग्लिश वाला स्टेटमेंट हमेशा राइट होता है, एनटीए खुद कहता है इस चीज को, इसलिए इंग्लिश वाला जरूर पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 21, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो रीजनिंग का है, हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे, बट रीजनिंग के क्वेश्चन में जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? अगर रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, आता ही है, जहां पे पहले क्या होता था, नेक्स्ट सीरीज बताइए, बट अभी बेटा क्या होता है, वो कहते हैं टर्म्स बताइए। राधा, मीना, क्या होगा बेटा इसका टर्म क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला लगता है, अगर आपको ध्यान हो पिछली बार भी मैंने बताया था। कितने लोग इसको सॉल्व करें, देखो इस समय टाइम कम है एग्जाम आने में, ठीक है, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, किसी का भी एग्जाम पहले पढ़ सकता है, तो ऐसे में जो भी क्वेश्चन आपके सामने हो उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करिए। दिखाएं इसका सॉल्यूशन, अच्छा जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो भाई, दिखाएं आपको इसका सॉल्यूशन, जिसको जिसको इसका आंसर देखना है जल्दी से एक लाइक कर दो जरा। मीना ने कहा है डी, सही आंसर है सी, ये फॉर्मूला लगेगा टी एन यानी नवा पद, ठीक है, कितने पद यहां पे हैं, 10 पद यानी 10 टर्म्स है, तो 10 टर्म्स इक्वल टू ए यानी प्रथम पद। प्रथम पद क्या लिखा, यदि किसी समानांतर श्रेणी श्रृंखला में 10वां पद 34 है और किन्हीं दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर 3 है, डिफरेंस को किसे लिखेंगे, पीछे लिखेंगे डी फॉर डिफरेंस। 10 क्रम है यानी टर्म है, यहाँ पे 10वां पद जो है कितना है 34, 34 लिखिए, ए प्लस, ए हमें पता नहीं है क्योंकि पहले हमें नहीं पता है कि पहला टर्म कौन सा है। इन्होंने कहा 10वां यानी 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं और 10वां पद जो है वो 34 है, इसलिए यहाँ पे 34 आया। ए प्लस 10-1 यानी 10 में से एक पद को माइनस किया इंटू 3, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इस फॉर्मूले को सब लोग याद कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, ये जो फॉर्मूला है अगर ये याद होगा तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कभी कभी संख्याएं भी दी होती है, मान लीजिए 24, 34 है ना, 64 ऐसे करके संख्याएं दी जाती है, फिर आपसे कहा जाता है कि अच्छा बताइए कि जो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो कौन सा होगा, तो आपको पता होगा कि पहला टर्म हमारा 24 है, तो इस एक ही जगह पे आप 24 तुरंत लिख दीजिएगा, बट क्योंकि आपको नहीं पता है पहला टर्म, इस वजह से क्या किया गया है, जो आखिरी टर्म है उसको लिखा गया है, ठीक है। किसको, टीचिंग ऑफिशियल, गुड आफ्टरनून सुमन, थैंक यू बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सॉल्व कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 22। दस सदस्यों वाली किसी समिति की औसत आयु है 42 साल यानी 42 ईयर्स। एक 53 साल की आयु वाला सदस्य सेवानिवृत्त होता है और उसका स्थान एक 45 वर्ष के नए सदस्य द्वारा लिया जाता है। अब इस नई समिति की जो औसत आयु है वो कितनी है, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ध्यान से यहाँ पे देखते जाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये श्रेया,
क्वेश्चन नंबर 22 कैसे सॉल्व होगा? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। यहाँ देखो, इतना जो लंबा स्टेटमेंट लिखा है, सॉल्यूशन के लिए सिर्फ इतना ही करना है। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। और कितने औसत आयु है? 42, यानी टोटल जो आयु है वहां पे 420, यानी 10 सदस्यों की टोटल जो आयु है वो है 420। इन्होंने कहा, मान लीजिए इस 420 में से टोटल आयु मिल गई, 53 साल का आयु वाला सदस्य निवृत्त हो गया, यानी रिटायर हो गया, 53 को माइनस किया। इन्होंने कहा 45 नया सदस्य ऐड हो गया, हमने उसको ऐड कर दिया। अब कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य। 53 को बस माइनस करके 45 को ऐड कर दिया। अब कितना बना? 412/10, यानी सही आंसर कितना होगा? नई समिति की जो औसत आयु पहले थी 42 ईयर्स, अब हो गई है 41.2 ईयर्स। ज्यादा टफ लगा क्या पवन? इस क्वेश्चन को बताना जरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी जब भी आपके सामने ऐसे हो, मान लो अगर लिखा हो यहाँ पे कि 5 सदस्य थे, 5 सदस्य की औसत आयु थी 20 साल, तो हमको पता लग गया कि 100 वर्ष एक्चुअली में थी, क्योंकि ये एवरेज बता रहे हैं, ठीक है, कि एवरेज आयु थी 20 साल। यानी टोटल अगर हम 5 सदस्यों की कैलकुलेट करेंगे तो 100 होगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा, मान लीजिए उसमें से एक सदस्य है जिसकी आयु है 20 साल, सॉरी, उसकी जगह पे उसको हटा दिया और किसको रखा गया? 10 आयु वाले को। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? 100 किसको हटा दिया गया? 20 को हटा दिया और 10 को ऐड कर दिया, इनटू कितने सदस्य हैं यहाँ पे? 5। अब क्या संख्या निकल के आएगी जरा बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर समझोगे तो सब समझ में आएगा। अब जो नया कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा? एक नई संख्या दे दी मैंने कि 5, मान लीजिए कमिटी के सदस्य हैं, उनकी औसत आयु है 20, यानी हमें अगर टोटल आयु मिली 100, 100 वर्ष उनकी आयु है, उसमें से जो 20 साल की आयु वाला है उसको हटा के हमने 10 साल की आयु वाले को ऐड कर लिया। तो अब जो नई संख्या या नया वर्ष कैलकुलेट होगा, औसत आयु कैलकुलेट होगी, वो कितनी होगी? अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आयु लिखी है ये औसत है। अगर हमारे सामने सिर्फ, अगर सिंपल सी बात करी जाए, औसत आयु ना पूछी जाती, अगर हमसे औसत आयु नहीं पूछी जाती, तो हम 420 - 53 + 45, अगर हम इतना कर देते तो हमें पता लग जाता कि 412 टोटल आयु कितनी है। पहले कितनी थी? 420, अब हो गई 412। लेकिन क्योंकि औसत पूछा है इसलिए 41.2। निवेदिता ने कहा है 18, सुमन ने कहा है 18। वेरी गुड जॉब, ठीक है ना। तो अब जो नई आयु हो गई वो कितनी हो गई? पहले थी यहाँ पे, ये जो 5 का वाला हमने आपसे पूछा, पहले आयु थी 20, अब हो गई कितनी? 18। ऐसे ही निकालना है। समझ में आया कुछ? भेजे में किस किस के चढ़ गया, किसके नहीं चढ़ा अभी भी, क्योंकि ये क्वेश्चन करते समय मोस्टली लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। उनको लगता है अरे मैडम क्यों ये करा रहे हो, छोड़ो। लेकिन छोड़ तो दें फिर, चलो कोई बात नहीं, छोड़ भी देते हैं, बट क्या फिर उसके बाद नेट JRF का क्या होगा आपका, जो आपका सपना है, जिसके लिए आप एग्जाम देने जाते हो। भाई आपको भी पता है कि फीस देना, जो एडमिशन सॉरी इसकी एग्जाम की जो फीस होती है कम नहीं होती है। फिर आप मेहनत करते हो, सब कुछ करके जाते हो, और अगर फिर भी सिलेक्शन ना हो तो बुरा लगेगा ना। तो इसलिए ये मत सोचा करो कि मुझे आया या नहीं आया, मुझे आंसर आता है या नहीं आता है। सीखने की कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? एंजल बोल रही है हार नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करिए। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया सुनीता, वेरी गुड बेटा। अभी देखो कुछ बच्चे अभी भी आराम से होंगे कि चलो एग्जाम और आ जाए पास में, फिर तैयारी करेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्जाम से पहले ही तैयारी करके रखो। तब तो सिर्फ क्या करना है, एक रिवीजन करना होता है। चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मीना ने कहा है ऑप्शन नंबर बी। एक कोडिंग लैंग्वेज दी गई है और उस कोडिंग लैंग्वेज में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या। इन्होंने लिखा है कि अगर मुज पा डोडा, मीन्स क्या होता है? ब्रिंग मी वॉटर।
और कोटा पा जो पता नहीं क्या लिखा यार, वॉटर इज लाइफ, इसको लिख करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। हाँ हिमांशी, अभी उसी ने आंसर किया है। निवेदिता, ऑप्शन नंबर टू कैसे होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा? देखो इनमें ये देखा करो, देखो यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट है, अब ये जो पा है इसमें दोनों में आ रहा है, जबकि इन बाकी के दो अल्फाबेट इसमें नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है? वाटर, वाटर है ना। सेम ऐसे ही तीसरे सेंटेंस में देखो आप क्या लिखा है, जो लिखा है, यानी ये और ये मिल रहा है और बाकी के अल्फाबेट नहीं मिल रहे थे, यानी इसका जो का मतलब क्या हो गया? लाइफ है ना। अब आपको देखना है कि यहाँ पे इस किसको डोनेट करेगा। इसका मतलब हो गया वाटर हमने निकाल लिया, लाइफ हमने निकाल लिया, बचा क्या? इज निकालना बचा। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये, टोडा। ठीक है, देख लिया करो दोनों में कि किसमें हमारा स्टेटमेंट आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्स पदार्थ का 10 मिलीग्राम 10 ग्राम चूहों को खिलाया गया, यानी चूहे मार दवाई खिलाई गई ये समझो। वे सभी 2 मिनट में मर गए, क्योंकि कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक्स पदार्थ की इतनी मात्रा औसत रूप में चूहों के लिए घातक है। इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? क्वेश्चन नंबर आप सबके सामने कि एक चूहे मार दवाई उसको दी गई है, और आप क्या बता सकते हो कि कितनी हमने उसको दवाई दी, कितनी उसके लिए घातक थी औसत रूप में? यहाँ पे कौन सी फैलेसी या आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सी ओनली। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये एक सुदृढ़ आगमनात्मक युक्ति है। एक्स पदार्थ का 10 मिलीग्राम 10 चूहों को खिलाया, वे सभी 2 मिनट में मर गए, कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक्स पदार्थ की उतनी मात्रा औसत रूप में चूहों के लिए घातक है? तो ये सुदृढ़ आगमनात्मक युक्ति है। ये सुदृढ़ आगमनात्मक तर्क उसको कहा जाता है जिसका परिसर निष्कर्ष की संभावना को प्रस्तुत करता है। आगमनात्मक तर्क में यदि आधार वाक्य सत्य है तो इस बात की अत्यधिक संभावना नहीं होगी कि निष्कर्ष गलत होगा। यानी अगर हमारा प्रिमाइस सही है, भाई हमने चूहों को दवा खिलाई, ठीक है, हमने इतने चूहों को इतनी मात्रा में खिलाई, तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? सही होगा, यानी ये इंडक्टिव में आ जाएगा। हिमांशी देखो इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव जनरली हमारा इंडक्टिव जो होता है कैसा होता है, जहां पे सही होने के चांसेस होते हैं अगर हमारे प्रीमाइसेस सही है। अब अगर आपने 10 चूहों को एक्स पदार्थ खिलाया यानी चूहे मार दवाई खिलाई, तो क्या होगा? उसका निष्कर्ष नेचुरल से निकलेगा ना कि हाँ भाई इसकी इतनी मात्रा खाने से चूहे मर जाएंगे। तो यहां पर उसका कंक्लूजन कौन सा रीजनिंग नहीं आई? ये नहीं आई। अच्छा इसमें क्या नहीं आया बेटा, क्या लिखा है? पहला स्टेटमेंट देखना जरा, ये लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है? ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखना, पहले का अर्थ है ब्रिंग मी वॉटर, दूसरे का अर्थ है वॉटर इज लाइफ। अब इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सी चीज कॉमन है? पा कॉमन है, पा कॉमन है। तीसरे में हमने क्या किया? जो लिन कोटा, तीसरा स्टेटमेंट। अब उसमें क्या है? लाइफ एंड डेथ। यानी अगर पहला स्टेटमेंट कहता है ब्रिंग मी वॉटर, तो यहां पे देखो दूसरे स्टेटमेंट में भी पा आ रहा है, और पा क्या कह रहा है? वॉटर इज लाइफ। इसमें भी वॉटर शब्द आ रहा है, इसमें भी वॉटर शब्द आ रहा है ना, वॉटर शब्द दोनों में कॉमन है। यानी कोई ऐसा यहाँ पे वर्ड है जो दोनों में ही कॉमन होगा। तो मुझ जो लिखा है ये इस दूसरे सेंटेंस में है? नहीं है। पा है? हाँ है। इसका मतलब, इस पा का मतलब हो गया आपका वॉटर।
सेम ऐसे ही बाकी के सेंटेंस, मुझ डोडा जो टोडा नहीं मिल रहे ना, फिर हमने तीसरे स्टेटमेंट पे कहे कोई एक शब्द दोनों में कॉमन है क्यों। यहाँ पे वाटर इज लाइफ लिखा है, लाइफ एंड डेथ लिखा है, यानी वाटर इज लाइफ, वाटर तो ऑलरेडी हमें पा मिल गया, यानी एक लाइफ लाइफ है जो कॉमन है, तो हमने लाइफ को लिखा, यानी ये जो जो है, जो दोनों ही वर्ड सेम टू सेम है, लाइफ है। अब कौन सा, अब क्या बोला, जो हो गया आपका लाइफ, पा हो गया वाटर, तो क्या है इज लाइफ, हमें किसका निकालना था, इसको ही निकालना था, तो इस हमारा क्या हो गया, टोडा हो गया कि नहीं हो गया, टोडा हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल था, देखो कि कौन से शब्द कॉमन है उसी को ही निकालना है आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मनु सत श्री अकाल बेटा, आंसर करते चलो जल्दी जल्दी क्योंकि अब टाइम कम बचा है और कवर करना है, और साथ ही आप सभी को बता दें अनअकैडमी पे आज शाम को फ्री क्लास है, सबने ज्वाइन करनी है, पैसे नहीं लग रहे तो ज्वाइन तो कर ही लो सभी लोग, ठीक है। अनअकैडमी पे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, और अभी लास्ट में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, ज्वाइन करना 6 बजे। और भी क्वेश्चंस होंगे और साथ में लीडर बोर्ड होगा जहां पे आप अपनी रैंक देख सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आंसर करो इस क्वेश्चन का, यदि लिखा है कि सभी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं सही माना जाए, तो कौन सा कथन सत्य होने के रूप में अनुमानित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, सभी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, अगर इसको सही माना जाए तो क्या होगा, कोई भी गोल्फ खिलाड़ी धनी व्यक्ति नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों के सर्कल एक में आ रहे हैं। सम गोल्फ प्लेयर आर रिच पर्सन, सम रिच पर्सन आर गोल्फ प्लेयर, सम गोल्फ प्लेयर आर नॉट, वेन डायग्राम बना लीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी एंड सी, सम गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन, सम रिच पर्सन आर गोल्फ प्लेयर, ये दोनों अनुमानित रूप से सही होगी। मीना अभी लिंक शेयर करूंगी, अभी तुरंत ज्वाइन करना, होता क्या है वहां पे जब क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है, पहले ही आप लोगों ने ज्वाइन करना है लिंक से। और एक चीज, अनअकैडमी का मान लीजिए अगर आपके पास मोबाइल से अगर आपको क्लास देखनी है तो अप्लीकेशन है उस पे देखनी पड़ेगी, अप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर लैपटॉप है तो डायरेक्टली आप वहां पे जो है गूगल क्रोम से डायरेक्टली आप उसको रीच आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, यहां बताना है कि कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट्री है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। अनकेडमी पे कुछ क्लासेस हैं मेरी, ठीक है, कुछ क्लासेस हैं जो फ्री हैं आप सभी के लिए, ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, आज शाम 6 बजे भी होगी मेरी क्लास, कुछ ही क्लासेस हैं तो आप ज्वाइन करिए। सभी कुत्ते मित्रवत जानवर हैं, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली फ्रेंडली एनिमल्स, अगर सही है तो कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी का संबंध किसके किसके बीच होता है प्रियंका बेटा, बारबेक्यू, अभी मैं लिंक शेयर करूंगी डायरेक्टली तुरंत ज्वाइन करना बेटा। सही आंसर है, इन्होंने क्या कहा, जहां पर भी ऑल आ गया है ना, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है आपका, इन्होंने कहा कि ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, ऑल यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव, यहां क्या होगा, सम नॉट, जहां सम भी होगा और नॉट भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी निवेदिता बिल्कुल सही, कुछ कुत्ते मित्रवत जानवर नहीं है, विरोधाभासी हैं ये। फरजाना क्या होगा, डी बिल्कुल सही है, रेखा ए कैसे होगा बेटा, ए ओ ई आई, यानी हमारा सम नॉट क्या है, हमारा ओ ई आई, ठीक है ना, ये दोनों ऊपर के यूनिवर्सल में आते हैं, ये किस में आते हैं, पर्टिकुलर में, पॉजिटिव नेगेटिव ये भी करवाया हुआ है क्लास में, देख लेना एक बार। 27 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है,
कौन सा कथन तार्किक रूप से समतुल्य है, यानी एक जैसा लग रहा है? वेन डायग्राम भी बना सकती हो, क्लासिकल स्क्वायर फॉर पोजीशन से भी देख सकती हो इसको। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर सी, यानी सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस। ऑप्शन नंबर सी, सम फिशेस आर नॉन एम्फीबियंस। ऑप्शन नंबर डी, सम नॉन एम्फीबियंस आर नॉट नॉन फिशेस। इसको वेन डायग्राम से चाहे तो बना सकते हो कि सम फिश है, एक फिश है जो कि आपकी कुछ एम्फीबियंस है, कुछ न, जो है नहीं, लेकिन यहाँ पे सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, हाँ नॉन एम्फीबियंस, ये लोग एम्फीबियंस को मान ही नहीं रहे, है ना? तो इस वजह से अगर हम यहाँ पे तार्किक रूप से समतुल्य माने तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 28। इंडियन लॉजिक से एक क्वेश्चन है आपके सामने। दूर स्थित पर्वत पर धुआं है, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां सदैव आग होती है। पर्वत पर अवश्य ही आग होनी चाहिए, न्याय की भारतीय तर्क शास्त्रीय शाखा के अनुसार कौन सा पद साक्ष्य के रूप में है, यानी मुख्य पद इनमें से कौन सा है? कोई बात नहीं काव्या, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं देखा रेखा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। यही चीज एग्जाम में ध्यान रखना, दो चीजें कि बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है। आप देखो यहाँ पे मेजर टर्म की बात करी है, मुख्य पद यानी मेजर टर्म इनमें से कौन सी चीज है? क्वेश्चन नंबर 28। गुड नून रंजना, आंसर करो बेटा। एक स्टेटमेंट है, दूर स्थित पर्वत पर धुआं है, क्योंकि धुआं होता है वहां आग होती है, पर्वत पर अवश्य ही आग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर बी, किसके बारे में बात हो रही है? आग के बारे में बात हो रही है। दूर स्थित पर्वत पर धुआं है, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां क्या होती है? आग। तो मेजर यहाँ पे जो टर्म है, जो मुख्य पद है वो है आग, पर्वत पर अवश्य ही आग होनी चाहिए। तो यहाँ जो मुख्य पद के समरूप है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, आईसीटी का क्वेश्चन है। इसमें तो जितना ज्यादा अपने आप को अपडेट कर लो, जितने भी स्टोरेज है कंप्यूटर की, सीडी, उसका फुल फॉर्म, इन सबको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 29, डेली बेसिस पे जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, ट्रस्ट मी, एग्जाम में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम कर ही नहीं सकते। वेरी गुड फरजाना, फायर फायर में कौन बोलता है? पुष्पा समझ के फूल समझे क्या? फायर में। चलो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर करिए जल्दी से। मनु ने कहा है सी, सही आंसर है बी। कैलकुलेशन करनी थी बेटा, सीडी पर भंडारित गीत, यानी एक सीडी है उसमें हम जो सॉन्ग है उसको स्टोर करते हैं, जो कि औसत 4 मेगाबाइट का होता है, ठीक है? अमित ऐसे 4,000 गीतों को मेमोरी स्टिक में स्थानांतरित करना चाहता है, तो अमित को गीगाबाइट में न्यूनतम किस आकार की मेमोरी स्टिक का प्रयोग करने की आवश्यकता है, यानी मेगाबाइट को गीगाबाइट में करना है। एक गाना 4 MB का है, 4,000 गाने कितने के हो गए? 16,000। 4 गाने हैं आपके, 4,000, ठीक है, सॉरी 4,000 गाने हैं 4 MB के। फिर 1,024 MB इक्वल टू कितनी होती है, क्योंकि उसे गीगाबाइट में करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15.625 GB, यानी उसे हम जब गीगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे ही एग्जाम में भी आता है, गीगाबाइट मेगाबाइट, है ना, कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन इसी चीज की हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता करना क्या है। अगर टेराबाइट में करा जाएगा तो कितना टेराबाइट? 1024 टेराबाइट। अगर उसमें करना पूछा जा सकता है कौन सी मेमोरी ऐसी है जो सबसे ज्यादा इस समय, ठीक है? ये डेटा जो आप डेली यूज, हाँ डेली यूज वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, क्या लिखा है कि मोबाइल संप्रेषण, मोबाइल सभी के पास है,
4G समर्थित प्रौद्योगिकी को 5G समर्थित प्रौद्योगिकी शीघ्र ही प्रतिस्थापित कर देगी, यानी 4G की जगह 5G आ जाएगा। तो 5G समर्थित मोबाइल प्रौद्योगिकी के संभाव्य लाभों में कौन सा शामिल है, यानी यहाँ पे एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। देख सकते हैं इस समय आप कि 4G की जगह अब कहा जा रहा है कि भाई 5G आई। इन्होंने कहा 5G के प्रॉफिट क्या है, क्या लाभ है, यही पूछा गया इस क्वेश्चन में। हम लोग कहते हैं कि कैसे हम लोग जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की तैयारी करें। देख सकते हो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चेंज करना नहीं आता मीना, सबसे पहले तो जितनी स्टोरेज है उसको आप लोग रीड कर लो, समझ लो अच्छे से। निवेदिता ने सबसे पहले आंसर किया ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही है। क्या क्या लाभ होते हैं, डाउनलोड की उच्च गति। कहते हैं कि अगर आप 5G फोन ले लोगे, 5G अगर आपने डेटा लिया तो सबसे ज्यादा स्पीड में आपका डेटा डाउनलोड होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कभी कभी IoT का फुल फॉर्म आता है। IoT क्या चीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो अधिक योजनीयता, अधिक बैंडविड्थ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक 4G की तुलना में कम विलंबता, यानी तेजी से पहुंच सकते हैं। 4G की तुलना में अधिक विश्वसनीय, उच्च क्षमता, शक्तिशाली नवाचार। 4G और 5G, ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे भोलेनाथ पूछा गया है कि इसके बारे में, कि 5G के बारे में आपको क्या लगता है, क्या क्या प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी क्वेश्चन को लाके आपकी जनरल अवेयरनेस टेस्ट करती है और देखती है कि उसको लाने का भाई आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, भीम एक ऐसा भुगतान ऐप है जो आपको यूनिफाइड पेमेंट्स ऐप का प्रयोग कर सरल, सुगम, द्रुत संव्यवहार करने देता है। स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदत्त पाठ्यक्रम न्यूनतम लागत पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रियंका आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने। भीम फुल फॉर्म बता सकता है, भीम का कोई फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भीम जो है एक यूपीआई पेमेंट ऐप है, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन है कि यहाँ पे उसके लिए न्यूनतम लागत उपलब्ध है, न्यूनतम लागत पे नहीं क्योंकि ये फ्री है, निशुल्क है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अग्रणी भीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र और डिजिटल रूप से जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया 2016 में, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का फुल फॉर्म बताना जरा एक बारी, बाकी तो सब ठीक है, भीम का फुल फॉर्म बताइएगा। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर एग्जाम में आ जाए भीम का फुल फॉर्म या उमंग का फुल फॉर्म। उमंग एप्लीकेशन सबने डाउनलोड किया हुआ है, सबको पता है। भीम भारत इंटरफेस मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। और बताइए उमंग का पता है बेटा। सुमन सामने देखो बेटा, पूरा यहाँ पे PDF है, उसमें सब लिखा है। सामने देखिए, पूरा पढ़िए, कब आया था ये, आया कब था, लॉन्च कब हुआ था। मैंने अनअकैडमी की लिंक भी शेयर करी है, सबको शाम को 6 बजे ज्वाइन करना है, ठीक है। आया कब था ये, 2016 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके अलावा स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम शिक्षा नीति के तहत, और यहाँ पे जो पाठ्यक्रम आपको अवेलेबल कराया जाता है वो कैसा कराया जाता है, निःशुल्क। जबकि यहाँ पे क्या लिखा था कि उसका आपको पैसा देना पड़ सकता है, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32,
ये तो बहुत ही आसान है, 30 दिसंबर 2016। वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कौन सा सही तरीके से नहीं मिलाया गया है, क्वेश्चन नंबर 32। किसका फुल फॉर्म सही नहीं है? प्रणाम शैल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 23 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लेटेस्ट है, आप देख सकते हो। और 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन जैसे आप अभी तक आपने देखे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो 32 का भोलेनाथ ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, और बिल्कुल सही है क्योंकि पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और यहाँ क्या इन्होंने बोला, ऑथेंटिकेशन। पीडीए हैंडहेल्ड कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, पॉम टॉप्स के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत व्यावसायिक कार्यों के लिए जानकारी संग्रह करने, कैलेंडर प्रबंधित करने, ईमेल संचार करने, दस्तावेजों स्प्रेडशीट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। एप्पल ने 1993 में पहला पीडीए न्यूटन मैसेज पैड लॉन्च किया था। ठीक है प्रियंका, समझ आ रही बेटा? प्रियंका लेट हो गई आज, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे एक फ्लिंदा ब्लैंक्स है और इस फ्लिंदा ब्लैंक्स का आंसर आपको करना है। डिजिटल स्टील और वीडियो कैमरे के संबंध में, अबाउट डिजिटल स्टील एंड वीडियो कैमरास, एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को फ्लिंदा ब्लैंक्स में करना है। एग्जाम कब होगा? 6 दिसंबर से एग्जाम है आपके। रात में क्लास, अभी थोड़ा सा मैं बिजी थी जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाई। आज आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक्चुअली मैं कुछ अनअकैडमी की क्लास ले रही हूँ, उसकी वजह से भी टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। अनअकैडमी की शाम को 6 बजे की क्लास होगी, लिंक मैंने यही कमेंट सेक्शन पे पिन कर दिया, उसको ज्वाइन करना। और मॉक टेस्ट होगा, उस पर देखना कि हमारी कितनी तैयारी है क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है बेटा, फरजाना आंसर करो बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि किसकी उच्चतर संख्या? मेगा पिक्सल की उच्चतर संख्या को संभालने वाले कैमरे उनकी कम संख्या वालों की तुलना में अधिक विवरण प्राप्त कर पाएंगे। रॉ प्रारूप में भंडारित छवियों का प्रक्रमण नहीं किया गया है और वे जेपीईजी प्रारूप में भंडारित छवियों की तुलना में अधिक भंडारण स्थान लेंगी। आपके भंडारण उपकरण की क्षमता निर्धारित करता है कि आप कितनी छवियों का भंडारण यानी कि स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये फ्लिंदा ब्लैंक्स भी आ रहा है इस समय आपके एग्जाम में, आईसीटी से या फिर एनवायरमेंट से, यहीं से आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। 2010 में वो लक्षित वर्ष भी था जिसमें कि जैव विविधता में ह्रास में विराम को प्राप्त करना था। 34 क्वेश्चन नंबर, सेकेंड पेपर के ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही ग्रुप बने हैं, साथ ही वहां पे डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन पेपर है, डेली क्विज होते हैं, आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्रिएट नहीं करते हैं, बट यस क्रिएट करिए अगर आप चाहते हो नॉलेज बढ़ाना। साथ ही पीडीएफ भी अवेलेबल है फाइल सेक्शन पे, तो वहां पर काफी हेल्प हो जाएगी आपको। 34 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही है। जैव विविधता 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया और 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। तो इसकी डिटेल जो है आप सभी लोग एक बार पढ़ लेना। 35 क्वेश्चन नंबर, देखिए अब किस तरीके के एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं और हमें तैयारी कैसे करनी है। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का दृष्टिकोण प्रत्येक घर में, चाहे वो कितना भी दूर हो, प्रकाश होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का मिशन, हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक दिव्यमान करें।
हाँ सोशियोलॉजी का मैं जल्दी सॉल्व करवाऊंगी बेटा, जल्दी। मैं थोड़ा सा अन अकेडमी की मेरी 4-5 क्लासेस रह गई हैं, एक बार मैं वो कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपके पेपर 2 के PYQ स्टार्ट करूंगी। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए, जल्दी से फिनिश हो जाए अन अकेडमी की क्लास, फिर मैं आती हूँ आपके पास पेपर 2 PYQ। सही आंसर ऑप्शन नंबर B, दोनों ही गलत है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए क्रिया उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है और इसका मूल उद्देश्य ऊर्जा पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। ISA का दृष्टिकोण है हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक दृष्टिमान करें, तथा उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में, चाहे वो कितनी भी दूर हो, घर में प्रकाश जरूर होगा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत और फ्रांस के द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के संयुक्त प्रयास के रूप में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 36, ISA, ठीक है, यानी सोलर अलायंस, IPCC, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में केंद्रक एजेंसी IPCC का फुल फॉर्म क्या है? सविता, क्या है बेटा? सुमन, इसका फुल फॉर्म? दीपा, IPCC का फुल फॉर्म? और जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लेना। हेलो कुलजीत, और अभी इसकी PDF भी वेबसाइट पर डाउनलोड करूंगी मैं, तो वेबसाइट से पहले वाली भी और ये वाली भी उठा लेना आप लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर B, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। जल्दी से मुझे बताओ ये कब स्टार्ट हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी काय को बोला? ये कब स्टार्ट हुआ, यानी इसका गठन कब किया गया था, इसमें कितने सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कुलजीत, जो क्लास रहती है, ठीक है, इस समय थोड़ा वीकेंड पे मेरी थोड़ी क्लास का टाइम अलग रहता है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, सारी क्लासेस की अपडेट आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपडेट के लिए टेलीग्राम अबाउट सेक्शन पे भी लिंक मिल जाएगी और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी, क्योंकि वीकेंड है तो मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हो जाए। गठन 1988 में WMO यानी मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये भी पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था। IPCC में 195 सदस्य, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है IPCC। क्वेश्चन नंबर बता सकते हो भैया, क्वेश्चन नंबर क्या है? 35, 36, 37? ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, 3 से 4 बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। AQI के बारे में निम्न में से भिन्न आकार वाले कौन से कणकीय पदार्थों की आवश्यकता होती है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा, पूरा पूरा पता होना चाहिए, मान लो सिर्फ जिनेवा ही लिखा हुआ तो। PM1, 2.5, PM10, TSPM। TSPM का फुल फॉर्म टोटल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स। थर्टी सेवन का सही आंसर ऑप्शन नंबर B, BNC। पर्टिकुलर मैटर 1.0, 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, सीसा। कभी कभी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होगा या उसे किस तरीके से लिखा जाता है, O3, मैचिंग में पूछा जा सकता है ऐसा, या कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपको यहाँ पे साइन लिखना पड़ेगा, है ना? तो
तो राष्ट्रीय वायु प्रदूषक यानी NAQI के अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है, जिसमें 1.0, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और सीसा यानी PV। इसमें 6 श्रेणियां रखी गई हैं, यानी अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व के अधिकतर भूतापीय स्थल रिम फॉर फायर के रूप में परी प्रशांत पट्टी में अवस्थित है। भारत में हिमालय भूतापीय क्षेत्र भी रिम ऑफ फायर का भाग है। क्वेश्चन नंबर 35, रिम ऑफ फायर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला सही है और दूसरा गलत। रिंग ऑफ फायर, जिसे हम सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में जानते हैं, प्रशांत महासागर के साथ एक रद्द पट्टी है जो सक्रिय ज्वालामुखी भूकंपीय गतिविधि की एक श्रृंखला है। रिंग ऑफ फायर की लंबाई घोड़े के नाल के आकार में लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, रिम ऑफ फायर के रूप में ज्ञात परी प्रशांत पट्टी में अवस्थित है और भारत में हिमालय भूतापीय क्षेत्र रिम ऑफ फायर का भाग नहीं है। हिमालय क्षेत्र जावा और उत्तरी अटलांटिक महासागर अल्पाइड बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है? एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। इसका मतलब समझ रहे हो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, डीप नॉलेज चाहिए। जैसे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो ना, उसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, कंटेंट के डेप्थ में जाना पड़ता है। सेम चीज यहाँ पे है। पहले क्या होता था कि हाँ भाई कुछ चीजें पूछी बाकी छोड़ दी, चल जाता था काम, बट अब ऐसा नहीं है। सही आंसर सी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 39 आंसर करिए। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच में अंतरक्रिया बढ़ाने, आपसी समझदारी को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने करी? क्वेश्चन नंबर 39। हम कह रहे थे ना गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं जनरल अवेयरनेस में, तो जितनी भी नई गवर्नमेंट पॉलिसीज हो उनको पढ़ लीजिए। जो नए योजनाएं हैं, पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं, है ना, प्लानिंग्स हैं, उन सबको पढ़ लेना है आपको। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। नरेंद्र मोदी जी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना स्टार्ट कब हुई थी? स्टार्ट कब हुई थी? सबने बता दिया ऑप्शन नंबर 1, सबको पता है, बट ये स्टार्ट कब हुई थी और किस अवसर पर स्टार्ट हुई थी, क्यों स्टार्ट करी गई थी? JF रूपम, ABC, यहाँ पे कब स्टार्ट की गई थी ये योजना? 31 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट की गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है ये, 31 अक्टूबर 2015। ठीक है, ये भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन ना आ जाए आपके सामने। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, किसको किसको मजा आई है जरा एक बार एक हाथ उठाओ, जिसको अच्छे लगे हैं क्वेश्चन, और जिसको लगा है कि हाँ भाई हमारी ऐसे ही प्रिपरेशन चल रही है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। किसको किसको लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन राइट वे में जा रही है, कोई डरने वाली बात नहीं है, काफी कुछ कवर हो रहा है हमारा? और कितने लोग इस PDF को पढ़ने वाले हैं? जल्दी से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। नेशनल इक्वेलिटी डे पर सरदार पटेल जी की बर्थडे पे, वेरी गुड भोलेनाथ, श्रद्धा वेरी गुड जॉब। पढ़ने वाले हो कि नहीं पढ़ने वाले हो? पता चला PDF दे रहे हैं और आप लोग पढ़ो ही ना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए।
पढ़ेंगे सब? क्वेश्चन कितने लोगों के अभी, मतलब अगर मैं कहूँ सब लोग कर लोगे? अगर ये क्वेश्चन आ गए, मान लो इनमें से कोई रिपीट आ गया तो भी कर लोगे? भाई क्या माल है, कमाल है भाई, वाह वेरी गुड। फरजाना फर्स्ट टाइम, फर्स्ट दिन है, चलो वेरी गुड। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा सभी लोग। थैंक यू सुमन। अब वही होता है ना कि कुछ अगर आप ध्यान से देखना, यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल है जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। होता क्या है, पुराने से कुछ आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न उठाते हैं वो लोग। यानी अभी जो आपने जून का एग्जाम दिया, जो फरवरी मार्च, तो वहां से पेपर आएगा। डेट इज वाई कि ये चीजें हमारे ही चैनल पर मिलेंगी, और प्लेलिस्ट पे सारी की सारी ऑलरेडी वीडियोस हैं। हमारी जो वेबसाइट है वहां पर मैं ये जो पीडीएफ है उसको अपलोड करती हूँ। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब भाई सब लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो सब एक बारी मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? क्वेश्चन नंबर 40। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। हायर एजुकेशन का एक क्वेश्चन है, और उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 की रिकमेंडेशन या अनुशंसाओं के अनुसार 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। स्टेटमेंट टू, नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा सहित यानी वोकेशनल एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात 26.3 से बढ़ाकर 2030 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट वेलकम निवी। बिल्कुल भोलेनाथ। और आज मैं जो अनअकैडमी में क्लास लूंगी ना, वहां पर भी आपको PYQ मिलेंगे, लेकिन वहां पे आप निवेदिता से भी पूछो। एक लीडर बोर्ड होता है, सबसे अच्छी बात होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लीडर बोर्ड नहीं होता है, अभी हो सकता है YouTube कर दे बाद में, लेकिन वहां पे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन के आंसर करते हो ना, तो आपकी एक रैंक बनती है, और उस रैंक के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, सही हुए, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना? तो वो चीज जरूर कर लेना। 6 बजे अनअकैडमी की क्लास ज्वाइन करना, बिल्कुल भी मत भूलना, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला सही दूसरा गलत। 2040 तक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि वोकेशनल एजुकेशन में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3 था, बिल्कुल सही है, लेकिन 2030 तक नहीं, बल्कि 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ये लोग, 2035 तक करा गया है कि 50% लक्ष्य। अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप सही कर लोगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है। 41 क्वेश्चन नंबर। एंशियंट एजुकेशन या हम प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम के अधिनियमन द्वारा कर्जन कुछ तत्कालीन विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित परिवर्तन लाना चाहता था। कमल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अन अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बाद में चाहे डिलीट कर देना, कोई टेंशन नहीं है। बाद में चाहो तो डिलीट कर देना, कोई फोर्स नहीं है। जब क्लास होने लगे, अन अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो लिंक मैंने आपको दी है उस पर लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्टली आप एंटर करोगे, ठीक है ना? मोबाइल पे जितने लोग भी क्लास देखते हैं उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। अगर लैपटॉप है तो डायरेक्टली आप क्रोम से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ABCE। ठीक है, यानी 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के अधिनियम में अधिनियमन द्वारा कर्जन कुछ तत्कालीन विश्वविद्यालयों में परिवर्तन लाना चाहते थे। कौन कौन से परिवर्तन थे, जरा इसको आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि इतना पढ़ाएंगे तो फिर हो गया काम। आप लोग पढ़ो भी, क्योंकि डिटेल काफी है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 42 क्वेश्चन नंबर। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद यानी ICPR, ICPR की स्थापना 2010 में UGC द्वारा एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई।
हैदराबाद में सन 1995 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, जिसे हम MGNCRI, पूर्व नाम राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, की स्थापना एक पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। 42 क्वेश्चन नंबर, ऐप अपडेट करने पर भी क्लास नहीं ओपन होता है कभी कभी, वो वहीं पर फिर कुछ टेक्निकल एरर होगा बेटा। लिंक देखो ऊपर ऑलरेडी मैसेज में, आग जहां से आप लोग चैट कर रहे हो ना उस पे देखो, ऊपर की तरफ जो चैट बनी है ना ऊपर की तरफ लिंक मेंशन है। हिमांशी बताओ बेटा, साइकोलॉजी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ करवाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा टाइम मिलने दो, मैं आपको करवाती हूँ। कुछ नहीं करना है, ये देखो ऊपर मैंने लिंक दी हुई है, मैसेज जो आप लोग कर रहे हो ना ऊपर की तरफ लिंक बनी है, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करोगे, कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ पे अगर मान लो क्लास बंद भी हो गई तो टेंशन ना लेना, टेलीग्राम पे भी दे दूंगी। उस लिंक पे क्लिक करो, अप्लीकेशन ओपन कर लो। कौन सा अप्लीकेशन? अनअकैडमी का, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको कर लोगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाओगे। 42 सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बस कुछ क्लासेस हैं, तीन चार बाकी हैं, तो देख लो जो इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है पहला गलत दूसरा सही। ICPR की स्थापना 1977 में, इन्होंने क्या कहा 2010 में, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 2010 में, इस वजह से ये स्टेटमेंट पहला वाला रॉन्ग होता है और जो दूसरा वाला है वो सही है। 43 क्वेश्चन नंबर, बस कंप्लीट होने वाला है, जल्दी करिए, कल नया पेपर दिखाएंगे, कल फिर नया पेपर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अब आपको ये बताना है NBA, कभी कभी NBA का फुल फॉर्म या उसका ईयर पूछा जाता है। NBA की स्थापना UGC द्वारा की गई और NEC की स्थापना AICTE द्वारा की गई, सही है कि नहीं? फोर्टी थ्री का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही गलत है। क्यों? NBA की स्थापना करी थी AICTE ने, दोनों स्टेटमेंट अदल बदल दिए। 1994 में ICTE ने करी थी, NBA 7 जनवरी 2010 से स्वायत्त निकाय के रूप में संचालित है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक की स्थापना UGC के द्वारा की गई 1994 में। अब यही डिटेल इसी तरीके के स्टेटमेंट पूछ ले जाते हैं, हो सकता है ऊपर वाले स्टेटमेंट का आंसर नीचे वाले स्टेटमेंट में हो या नीचे वाले स्टेटमेंट का आंसर ऊपर वाले में हो, तो ये चीज ध्यान रखो। ये जितनी भी आपकी हायर रेगुलेटरीज है ना, हायर इंस्टीट्यूशन है या रेगुलेटरीज हैं, इन सबको एक बार उठा के सबने पढ़ लेना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। अरे भाई कंप्लीट हो गया क्योंकि आरसी आ गया, आप एक क्वेश्चन आई थिंक मिस है, बट बाकी आरसी के क्वेश्चन आ गए। आरसी मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाली हूँ, ठीक है? तो टेलीग्राम पे सब लोग ज्वाइन करिएगा, और टेलीग्राम पर मैं कुछ क्विज भी दूंगी इस तरीके की, जहां पे आपको सॉल्व करना होगा। अब जाने से पहले अपने अपने फीडबैक को दे के जाना है कि आपको क्लास कैसी लगी। किसको उल्टा कर दें? हाँ उल्टा कर दीजिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को, ठीक है? तो जाने से पहले फीडबैक दीजिएगा, और आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी अभी 6 बजे होगी, कंपटीशन होगा, मॉक टेस्ट होगा UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। बाकी कल होगी अपनी दूसरी क्लास, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ये PDF थोड़ी देर में मैं अपडेट कर दूंगी वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।